बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर खान स्पोर्ट्स काउंसिल से बराए रास्त मेंस डबल फाइनल। हमारे साथ डीजी स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा असफंदियार खटक साहब इस फाइनल सेरेमनी के में वहाँ खुशी है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 410 मेंस डबल फाइनल्स इरफान सईद एंड अजीम सरवर वर्सेस काशिफ चलेरी एंड मुकीत ताहिर। '58 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 410 मेन डबल्स का फाइनल अभी शुरू होने लगा है। इससे पहले मेन सिंगल का फाइनल हुआ जिसमें एक सख्त मुकाबले के बाद लारोश ने इरफान सईद को थर्ड गेम में 27-25 से शिकस्त दी और नेशनल चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। '58 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 410 का फाइनल शुरू हो जाता है। इरफान सईद और अजीम सरवर बमुकाबला काशिफ सलेरी और मुकीत ताहिर के माबैन अभी ये मेन डबल्स का फाइनल खेला जाएगा। उम्मीद है एक अच्छा फाइनल देखने को मिलेगा डबल्स का। दोनों पेयर बेहतरीन पेयर्स हैं पाकिस्तान के। दोनों खिलाड़ी वार्म अप करते हुए ये 58 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 410 में खेली जा रही है। इसे पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज किया है। खैबर पख्तूनख्वा स्पोर्ट डायरेक्टरेट और खैबर पख्तूनख्वा बैडमिंटन एसोसिएशन के तआवुन से इससे पहले वुमेन सिंगल का फाइनल हुआ माहूर शहजाद और गजाला सिद्दीकी के माबैन, जो माहूर शहजाद ने जीत लिया। फिर उसके बाद मेन सिंगल का फाइनल हुआ
हाफिज इरफान सईद और लारोश के माबैन, जो लारोश ने एक इंतहाई सख्त मुकाबले के बाद जीत लिया 3 सेट में। फिर उसके बाद वुमेन डबल का मुकाबला हुआ माऊर शहजाद और गजाला सदीकी जिसमें पार्टनर थी, और दूसरी तरफ पलवश बशीर और ज़ुबैरा पार्टनर थी, जो पलवश बशीर और ज़ुबैरा ने जीत लिया 3 सेट में। और अब ये इस टूर्नामेंट का, इस चैम्पियनशिप का आखिरी मैच है मेन डबल्स फाइनल, जिसमें हाफिज इरफान और अजीम सरवर पार्टनर हैं, दूसरी तरफ काशिफ सलेरी और मुकीत ताहिर पार्टनर्स हैं। ये मैच बस अब शुरू होने लगा है। उम्मीद है एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, दोनों बेस्ट प्लेयर हैं पाकिस्तान के। तकरीबन 1.5 साल बाद पाकिस्तान में बैडमिंटन की ये नेशनल चैम्पियनशिप मुनक़िद की जा रही है। जैसे आप लोगों को पता है कि इससे पहले कोविड की वजह से इवेंट्स बंद हो चुके थे और खिलाड़ी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुए हुए थे, मैचेस खेलने को नहीं मिल रहे थे, गेम खेलने को नहीं मिल रही थी, टूर्नामेंट खेलने को नहीं मिल रहे थे। तो इस वजह से पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन ने यहाँ पर चारसदा में ये इवेंट कराने का फैसला किया, और जिसे खैबर पख्तूनख्वा स्पोर्ट्स डायरेक्ट्रेट ने मंजूर किया, उसको सराहा। और खैबर पख्तूनख्वा स्पोर्ट्स डायरेक्ट्रेट की भी हम बहुत मशहूर हैं, जिन्होंने हमें हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, हॉस्टल प्रोवाइड किया उन्होंने यहाँ पर। मैं चारसदा पुलिस और स्पेशली चारसदा DPO का भी मैं बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने हर तरह की सिक्योरिटी फराहम की यहाँ पर चारसदा में। शुएब खान DPO शुएब खान का मैं बहुत मशहूर ममनून हूँ, जिन्होंने हर तरह की सिक्योरिटी यहाँ पे खिलाड़ियों को फराहम की। मैच शुरू होने लगा है, लव ऑल, सर्विस ओवर, काशिफ टू सर्व, हाफिज वन लव। मुराद सर, यू विल ऑलवेज बी मिस हेयर, और हमें पता है आपकी खिदमत। यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त व्यूअर्स में मौजूद हैं मुराद अली साहब, जो कि 1000 फैसिलिटीज़ के चेयरमैन हैं, और यहाँ पे इस वक्त तकरीबन कोई 250 से 300 फैसिलिटीज़ वो बना चुके हैं, जिसमें 25 सिर्फ बैडमिंटन के हॉल हैं। और मैं मुराद अली साहब का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ना सिर्फ बाकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का जाल बिछाया, बल्कि 25 बैडमिंटन हॉल उन्होंने बनाए हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पे बच्चे अब हॉल के अंदर प्रैक्टिस कर सकेंगे। थैंक यू सो मच मुराद अली साहब। Irfan Saeed to serve, Kashif 3 all. Service over. Mukeet to serve, Azim 4-3. Service over, 4 all, Azim to serve, Mukeet.
सर्विस ओवर, काशिफ टू सर्व 5-4. सर्विस ओवर 5-5. ये इवेंट पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन ऑर्गेनाइज कर रही है खैबर पख्तूनख्वा स्पोर्ट्स डायरेक्ट्रेट और खैबर पख्तूनख्वा बैडमिंटन एसोसिएशन के तआवुन से. ये अच्छा इवेंट, एक बहुत अच्छा इवेंट देखने को मिला है हमको. तकरीबन 1.5 साल बाद पाकिस्तान में कोई इवेंट मुनक्किद हुआ. सिक्स फाइव सिक्स ऑल. सर्विस ओवर 7-6. इस वक्त पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, वाजिद अली चौधरी सेक्रेटरी पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन इस वक्त एशियन डेवलपमेंट के चेयरमैन भी हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोविड-19 की वजह से वो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम नहीं कर सके. वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे पाकिस्तान, जिसमें शटल टैम प्रोग्राम था, जिसमें जूनियर्स के लिए इंटरनेशनल कैंप है, जिसमें इवेंट्स हैं. हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान से कोविड-19 का खात्मा हो, ताकि ये सारे प्रोग्राम कराए जा सके पाकिस्तान में. सेवन नाइन इरफान सी टू सर्व 7-9. पहली गेम है ये, पहला सेट है ये इस मेंस डबल्स के फाइनल का. 8-9 स्कोर, इरफान सी टू सर्व मुकीत. 9-all स्कोर बराबर करने में कामयाब हो चुके हैं इरफान सईद. 9-all फर्स्ट गेम ऑफ मेंस डबल्स फाइनल. सर्विस ओवर 10-9. मुकीत टू सर्व अजीम 10-9. हमारे साथ यहाँ पे डायरेक्टर जनरल असफंजार खटक साहब मौजूद हैं एज ए चीफ गेस्ट, और पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि इस वक्त स्पोर्ट्स में जितनी एक्टिविटीज़ खैबर पख्तूनख्वा में हो रही हैं, शायद दूसरे किसी भी सूबे में नहीं हो रही. और मैं यहाँ से इस टूर्नामेंट के तवसुत से, इस लाइव मैच के तवसुत से, मैं पंजाब गवर्नमेंट से भी मैं ये अपील करूँगा, और सिंध गवर्नमेंट से भी मैं ये अपील करूँगा, बलूचिस्तान गवर्नमेंट से भी मैं ये अपील करूँगा कि जिस तरह की एक्टिविटीज़ खैबर पख्तूनख्वा में जा रही हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जा रही हैं, आप देख रहे हैं कभी अंडर-21 गेम्स हो रही हैं, कभी अंडर-16 गेम्स हो रही हैं, इवेंट्स कराए जा रहे हैं, फैसिलिटीज़ बनाई जा रही हैं, हर तरह से खिलाड़ियों को स्टाइपेंड्स दिए जा रहे हैं, तो अगर ये खैबर पख्तूनख्वा में हो सकता है तो दूसरे सूबे में ऐसा क्यों नहीं हो सकता. पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, सिंध एक बहुत बड़ा सूबा है, बलूचिस्तान एक बड़ा सूबा है, जहाँ पे जिस तरह की एक्टिविटीज़ खैबर पख्तूनख्वा में जारी हैं. तो मेरी पंजाब गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से, बलूचिस्तान गवर्नमेंट से भी मैं ये अपील करूँगा कि वहाँ पे भी इस तरह की एक्टिविटीज़ कराएं, क्योंकि मैंने देखा है कि पंजाब के जो प्लेयर्स हैं या सिंध के जो प्लेयर्स हैं, बलूचिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, वो देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा की एक्टिविटीज़ को,
और उनको जाहरी बात है कि वो भी प्लेयर्स हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, वो बुरा फील करते हैं, अफसरदा होते हैं, खफा होते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इतनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जा रही हैं, दूसरे सूबे में क्यों नहीं जा रही, हमारे सूबे में क्यों नहीं है, तो दूसरे सूबे में भी होनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा को फॉलो करना चाहिए दूसरे सूबों को। तो मैं, हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं असवन यार खटक साहब, वो बाकायदा पर्सनली इंटरेस्ट लेते हैं सारी एक्टिविटीज़ में, जो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स साहब हैं आबिद मजीद साहब, वो भी दो मरतबा तशरीफ ला चुके हैं इस टूर्नामेंट में। इससे पहले जुनेद खान साहब को पूरा पाकिस्तान जानता है, जिन्होंने इतनी एक्टिविटीज़ की खैबर पख्तूनख्वा में जो शायद इससे पहले कभी भी ना हुई हो। Twelve. Irfan Sayyid to serve. Kashif Saleri. 14-12. Service over 13-14. Mukeet to serve. Azim 13-14. Service over 15-13. Service over 14-16. Service over 17-14. Irfan Sayyid to serve. Mukeet to serve. Irfan Sayyid 15-17. First game. Oh. 18-15.
अजीम टू सर्व काशिफ 18-15 फर्स्ट गेम। सर्विस ओवर 16-18। Kashif to serve Azim 18 all। Service over 19-18। Point 18, first game, service over 19-20. First game won by Irfan Saeed and Azim Sarwar 19-21, second game, Azim to serve, love all. One love, Azim to serve Kashif 1-0.
love. Love. Three, love. Service over, 1-3. Service over, 4-1. Service over, 2-4. पहला सेट अजीम और हाफिज इरफान जीते हैं 21-19 पे। अब ये दूसरा सेट शुरू है, दूसरी गेम शुरू है। 6-3 फर्स्ट गेम हाफिज इरफान और अजीम सरवर जीते हैं 21-19 पे। अब ये दूसरी गेम है, सेकंड गेम। 7-3 सर्विस ओवर, 4-7 5-7 काशिफ टू सर्व अजीम सर्वर, 5-7
7-8 Mukeet to serve Azim 7-8 Second game Service over 9-7 Pehli game Hafiz Irfan aur Azim jeet chuke hain ye second game jari hai Nine. Kashif to serve. Hafiz Irfan. 8-9 Nine all. Second game. Second game 10-9 Kashif to serve Irfan Service over 10 all over 11-10 interval second game pehli game Azim server aur Hafiz Irfan Saeed ne jeeti 19-21 pe is waqt ek second game jari hai 11-10 points ho chuke hain 11 Kashif Saleri aur Mukeet Tahir 10 Hafiz Irfan and Azim server پہلا سیٹ عرفان سعید اور عظیم نے جیتا ہے دوسرے سیٹ میں 11-10 پوائنٹس ہیں 11 کاشف بھائی وغیرہ کے ہیں اور 10 عرفان سعید اور عظیم کے ہیں Service over 11 all. Badminton ke hawale se har kisam ki malumat hasil karne ke liye updates hasil karne ke liye Pakistan Badminton Federation ka page like kijiye jahan se aapko har tarah ki updates milti rahengi 11 all. Twelve, eleven.
सर्विस ओवर 12 ऑल. सर्विस ओवर 13-12. Service over 13-14. Service over 15-14. Service over 16-all. Service over 17-16. Service over 18-17. Kashif to serve 18-17. Nineteen seventeen.
सर्विस ओवर 18-19. इरफान सईद टू सर्व. Eighteen-19. Irfan to serve Mukeet. Service over. Game point 19. Service over, 20 all. Azim to serve Mukeet, 20 all, second game. Oh, 21-20. Game and match point, 20. Second game. First game, Hafiz Irfan और Azim Sarwar ने जीती है. ये दूसरी गेम जारी है. दूसरी गेम में 21 ऑल स्कोर है. काशिफ सलेरी सर्विस करेंगे. Service over, 22-21, 22 all. Two.
second game. दूसरी गेम काशिफ सलेरी और मुकीत ने जीत ली है। इस तरह एक एक सेट बराबर हो चुका है। थर्ड एंड फाइनल गेम अब्दुली खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चासद्दा से बरह रास्त नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप मेंस डबल का फाइनल एक एक सेट से बराबर है। काशिफ सलेरी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, मुकीत ताहिर एस एन जी पी एल स्विगेस एंड वर्सेस अजीम एंड इरफान सिया। थर्ड गेम लोवाल प्ले। वन लव अजीम टू सर्वर। और दूसरा पॉइंट ले लिया अजीम सर्वर ने और इरफान सैयद ने। टू लव थर्ड गेम फाइनल गेम। तीसरा पॉइंट भी लिया अजीम सर्वर ने। अजीम टू सर्वर थ्री लव। स्मैश किया और अटैकिंग गेम और चौथा पॉइंट भी लिया इरफान एंड अजीम ने फोर लव। आउटसाइड और काशिफ एंड मुकीत एक पॉइंट लेने में कामयाब। 1-4।
1-4. और पॉइंट लेने में कामयाब अजीब एंड इरफान 5-1 4 पॉइंट लीड कर रही है। और अटैकिंग गेम अजीम सरोसी अटैकिंग और आउट बैंक दिया 6-1। अब्दुल रहमान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से चारसद्दा से बराह रास नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप काशिफ सलेरी ने अटैक करते हुए पॉइंट ले लिया। काशिफ सलेरी डबल का पाकिस्तान कई दफ़ा चैंपियन रह चुका है। अजीम एंड इरफान सैयद और दोनों खिलाड़ी अटैकिंग कर रहे हैं एक दूसरे पे और काशिफ जलेरी मुकी ताहिर को लेने में कामयाब 3-6। अटैकिंग इरफान सैयद का और फिर से ड्रॉप मार दिया और नेट में डाल फेंक दिया और पॉइंट लेने में कामयाब काशिफ जलेरी और मुकी ताहिर 4-6 लीड कवर करते हुए 4 पॉइंट पे पहुंच गए। और 4-6 अब्दुल खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहरसा दे बराह राश नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021। अटैकिंग गेम और ये फिर से अटैक कर दिया अजीम ने पॉइंट लेने में कामयाब। सेवन फोर थर्ड एंड फाइनल गेम मेंस डबल ओ पॉइंट लेने में कामयाब फिर से 5-7। अच्छी डिफेंसिव गेम अजीम ने अटैक कर दिया और फिर से अटैक और एक दूसरे पे हमले करते हुए पॉइंट ले लिया अजीम सरवर और फान ने। एट फाइव तीन पॉइंट से आगे अजीम एंड इरफान नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के वाचवा माइक के वाचवा एट फाइव मेंस सिंगल अली मोहम्मद दारोश चैंपियन और वुमेन सिंगल माहूर शहजाद चैंपियन कुछ ही देर में असवानदार खदर डी जी स्पोर्ट्स खैबरपख्तूनख्वा खिलाड़ियों में इनाम तकसीम करेंगे इंशाल्लाह वो भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। और आउट मार दिया नाइन फाइव सिक्स नाइन सेवन नाइन और गुड पॉइंट अजीम की अटैकिंग से पॉइंट हासिल कर लिया 10-7।
11-7 or lead Tarai Azim and Afain. Third and final game of the Rihan Sports Complex Chasadda se Barai Ras. National Badminton Championship Chasadda. नेशनल बैडमिंटन ये 58वां नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप है जो चारसद्दा में हो रही है। कोरोना के बाद एक साल बाद ये इवेंट है पाकिस्तान का पहला जो चारसद्दा में हो रही है। डायरेक्टेट आपसे खैबर पख्तूनख्वा खैबर एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल सपोर्ट कर रही है इनको इवेंट को और पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन ऑर्गेनाइज कर रही है। Third and final game, 11-8. Oh, only enemy Kabyab, not 8-11. नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप चारसद्दा जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप भी हुई थी जो 19 की कैटेगरी में खैबर पख्तूनख्वा ने कामयाबी हासिल की जबकि अंडर 17 में आर्मी ने कामयाबी हासिल की जबकि 15 में पंजाब के खिलाड़ियों ने हासिल कर ली। और मेंस बैडमिंटन चैम्पियनशिप के क्लोजिंग सेरेमनी कुछ ही देर में आपको लाइव दिखाएंगे। थर्ड गेम 8-11। काशिफ सुलेरी टू सर्वर। थ्री पॉइंट पे लीड कर रही है हाफिज इरफान एंड अजीम। अटैकिंग काशिफ फिजरी की अटैकिंग गेम फिर से अटैक और फिर से इसने ले किया और गुड पॉइंट लेने में कामयाब काशिफ फिजरी। टेन ट्वेल्व क्योंकि ताहिर टू सर्वर। आउट मार दिया जीवन 11-12 क्लोज पॉइंट। ओह पॉइंट लेने में कामयाब इरफान सैयद एंड अजीम वाबडा काशिफ सुलेरी नेशनल बैंक मुकी ताहिर एस एन जी पी एल 13-12। और गुड पॉइंट मुकी ताहिर ने अटैक करते हुए पॉइंट हासिल किया 13-12-13। पॉइंट लेने में कामयाब 13 each। गुड पॉइंट और अजीम ने अटैक करते हुए पॉइंट हासिल किया 14-13।
14 ऑल क्लोज गेम नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप चारसद्दा से बराह रास्त वोमेन सिंगल माहूर शहजाद ने विन किया, जबकि मेन सिंगल अली मोहम्मद लालोश, दोनों का ताल्लुक आवडा से है। अटैकिंग गेम फिर से डबल टच, फिर इशारा करते हुए डबल पॉइंट और 15-14 पे लीड कर रहा है काशिफ सुलेरी एंड मुकीत ताहिर 15-14। ओ 16-14 लीड कर रहा है काशिफ सुलेरी मुकीत ताहिर। काफ़ी क्लोज मैच, अटैक किया जिम सरों ने, फिर से अटैक किया और फिर से अटैक किया खान सैयद की और आउट मार दिया। 17-14 पे काशिफ सुलेरी और मुकीत ताहिर लीड कर रहा है। जूनियर चैंपियन अंडर 19 का उमर जरगीन, जिसका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है, जबकि डबल का हमजा एन अफनान, उसका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है। और 18-14 दो पॉइंट के करीब होते हुए काशिफ सुलेहरी और मुकीत ताहिर 18 और पॉइंट लेने में कामयाब 19-15। बेहतरीन गेम काशिफ सुलेरी और मुकीत ताहिर की। ओ 15-19 नेक्स्ट 15-19 अजीम टू सर्वर। ओ 16-19 काशिफ सुलेरी काफ़ी गुस्से में 16-19 और ओ 20 पॉइंट गेम पॉइंट काशिफ सुलेरी मुकीत ताहिर आखिरी पॉइंट पे पहुंच गए। गेम मैच पॉइंट चैंपियन पॉइंट काशिफ सुलेरी सर्वर 20-16। और पॉइंट लेने में कामयाब काशिफ सुलेरी और ये न्यू डबल चैंपियन काशिफ सुलेरी एंड मुकीत ताहिर। बेहतरीन गेम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान काशिफ सुलेरी और सुई नादरान गेस के मुकीत ताहिर ने डबल टाइटल जीत लिया है। वेलकम काशिफ सुलेहरी हाथ लहराते हुए तमाशाइयों को दाद दे रहे। काफ़ी दिलचस्प मुकाबला, कमाल कर गया काशिफ सुलेहरी ने और अजीम सरवर ने। क्लोजिंग सेरेमनी पे आते हैं, इंशाल्लाह हम आपको लाइव दिखाएंगे क्लोजिंग सेरेमनी, साथ रहिए। इसके बाद हम क्लोजिंग सेरेमनी दिखाएंगे।